भाई साहब काम के कह रहे हैं बड़े बुड्ढे भी, अब ये दाढ़ी रख रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। भाई मैं तो बड़े बुड्ढे सुन रहा भाई, वही काम कर दिया है मोदी जी का, कह रहा हूँ सारी बात बोलो। कोई नू कहता होगा ना बीजेपी में था, अरे ऐसे भाषण दे रहा है कोई। चलो यूट्यूब सारे देख लो तुम, छुट्टी है तारी, बताओ एक भी सदस्य अगर दिखा दो। अरे सारे यार भाषण में ही तो मरे हम भी, अरे टेलीविजन में देखे भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी, भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी, भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी। यार लाल किला तो कम मखत मत देखता, लाल किला भी गिरवी धर दिया, गिरवी मानो किराए पे दे दिया। जैसे हम चूतिया बने बीजेपी में, हम चूतिया बने जो आज हमारे बड़े बुड्ढे आज यहाँ भुगत रहे। चूतिया कौन जनता, कंगना किसके दौरान है, किसकी बात करा बताओ, किसकी बात करते, देशभक्ति की नहीं करती वा कंगना बीजेपी करा है, भक्ति करा है। वही है ना, मैंने पता नहीं, मैंने तुक्के झुकाई है। हाँ ये आप इतना इरे सब दल्ले हैं ये सही, सारे सारे चोर ये हैं, औरता पे बलम कर रहे हैं, बेचारी औरता भी गाज पड़ रही है। अब मैं टेलीविजन रोज देख रहा हूँ जगह, मगर सुनो मुस्लिम के ऊपर मैं बताता हूँ, ढोर छुट गए तो भाई साहब ढोर तो बुड़क मार मार के हिंदुआ ना खा जाएंगे। बात हुई थी हमारे गांव में, गए मैं ले आई थी और मैं भी पहुंच गया ठोकुआ। यार एक बार बताओ अंधे सु अंधा बेकार सु बेकार आदमी सोच सका है, एक बीघा की दो बीघे कैसे कर देगा, एक कुंटल का दो कुंटल कैसे कर देगा। एक एमएलए आई थी और मैं भी पहुंच गया ठोकुआ। पहले तो वे थे उसके चमचे खड़े वहां, मैं उनसे बात बुझे लगा, वे कहले योगी का एक फांस फंस रही है मोदी के, नू यो तुमने फेल करवा लिया तो फिर सीए वाले आओगे, फिर फलाने वाले आओगे, फिर दिखाने वाले आओगे। भाई वे तो अकेले अकेले, इसमें तो किसान में तो सारे के सारे ही है भाई, सब मिक्सचर है, इसकी और उसको कैसे हो जाएगी। फिर वो कह लगा, मैं ज्यादा करने लगा, वो कह लगा मुस्लिम राज आ जाएगा। मगर सुनो मुस्लिम के ऊपर मैं बताता हूँ, एक गाय छुटी है भाई साहब, थामनी बारी हो रही है और सारे ढोर छुट गए तो भाई साहब ढोर तो बुड़क मार मार के हिंदुआ ना खा जाएंगे। भाई पंचो इसमें गोश्त खाने वाला मैं भी हूँगा और हिंदू मुसलमान भी होगा। भाई हम तो सफाई कर्मचारी हैं, अगर हम ढोरा ने ना खावेंगे नू बताओ जाएंगे कहाँ। एक गाय पर पाबंदी लगाई, गाय रोकनी भारी हो रही है, तुमने भी सुनी होगी। और जो सारे ढोर बकरा भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, भैंसा भी है, भैंस भी है, सारे छुट गए, हिंदू आने तो बुड़क मार मार के खा जाएंगे ढोर। उस कमेंट वाले से यह बता दिए कभी भूल में हो। और सुनो औरंगजेब जैसा आ गया, हिंदू तो उस पर खत्म ना हुए, थारे में मुसलमान कैसे खत्म हो जाएंगे। ये बताइए कोई भी धर्म मालिक ने बनाया है और ये व्यवस्था क्या बनाया है, कभी ना खत्म हुआ और ना हो। ऐसे मोदी सैकड़ा आ जाओ और वो कमेंट करने वाले तो बुद्धि ना है, उनका तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा पमीला गोस्वामी जो कल पकड़ी गई बंगाल से, कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़े बीजेपी के नेता है, उनके साथ भी फोटो थी। अरे सब दल्ले हैं ये सही, सारे सारे चोर ये हैं, औरता पे बलम कर रहे हैं, बेचारी औरता भी गाज पड़ रही है। अब मैं टेलीविजन रोज देख रहा हूँ, कभी तो टोल किट और फलाना किट और ठिकाना किट, और जो झंडे पे चढ़ा वो कुछ किट नहीं है वहाँ। आप कह रहे हैं कि महिलाओं पे गाज गिर रही है, हाँ लेकिन उसको तो कंगना को तो सुरक्षा दी थी उन्होंने। सुरक्षा कंगना किसकी है, किसकी तुमने पता होगी, थारे टेलीविजन में भी चला है कंगना किसके दौरान, किसकी बात करा बताओ, किसकी बात करते, देशभक्ति की नहीं करती वा कंगना बीजेपी करा है, बीजेपी भक्ति करा है। वही है ना, मैंने पता नहीं, मैंने तुक्के झुकाई है। हाँ ये आप इतना एंटी, एंटी तीर से न तलवार से, आंधी न तूफान से, बंदर डरता तो परवरदिगार से। सुनो जो बाबा रामदेव है वो कह रहे थे 2014 में कि मोदी जी की सरकार लाइए पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा आपको, अब कहाँ गए वो। रात की बात सुन लो, संदीप चौधरी ने बताया बीजेपी का, संदीप चौधरी ने कही आप तो नू कह रहे थे जब सरकार आई 35 रुपए करेंगे, नू तो जुगला था हमारा। हाँ, अब तुम समझो मत समझो, चूतिया कौन जनता जुमला। जैसे हम चूतिया बने बीजेपी में, हम चूतिया बने जो आज हमारे बड़े बुड्ढे आज यहाँ भुगत रहे, हमारी करनी भुगत रहे। भाई आप मत बोलो ना, लेकिन जो बीजेपी के नुमाइंदे वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी, घर घर मोदी। यो हर हर मोदी घर घर मोदी ना कह रहा, ये पाताल में पूछा देगा उन्होंने भी गैल में दुबे में, तो वे भी वो कह रहे देश मजबूत हाथ में है। आज कैसा है बताओ, रेल बेच दी मजबूत हाथ, जहाज के छह हवाई अड्डे बेच दी मजबूत हाथ। अरे यार लाल किला तो कम मखत मत बेचता, लाल किला भी गिरवी धर दिया, गिरवी मानो किराए पे दे दिया। और क्या कह रहे मजबूत हाथ, यार हमारा चूतिया बना लेते तो धरना धरना, हमने सब बात की पता चल गई ना, हमने तो खाने कमाने से मतलब है जी।
आपको कानूनों का तो पता नहीं, सरकार करे सब बात के पता। कैसी कानून की पता ना, हमने पेटीकोट में पहनते हो पता ना, मैं उन पर तुलना कर रहा हूँ, बता कैसे पता ना, तेने पता ना, प्याज बीजेपी में 200 रुपए किलो हो गई, गाज गिरी सब पे, जहाँ जहाँ भर रखी थी प्याज, रुक जा भर रखी प्याज खुल गई, खुलते 50 रुपए किलो पे आ गई। अब अडवाणी अंबानी पे क्या करेगा, जब नू करेगा स्टॉक कितने कर लो ना दे रहा, वो तो बता कैसे करेगा, और फिर तू भेज जाएगा, मोदी भेजेगा पुलिस, मगर सन टिटा कैसा है नू पर्चे दिखा देगा, देख तेने के कही, या तो युद्ध होगा जब छापा मारूंगा, और या कोई आपदा होगी जब छापा मारूंगा, क्या कर लेगा मोदी, यार चूतिया बना रहे हो निकाल। आप भी तो भक्त थे बीजेपी के पे। मैं कहता रहा हूँ भगत है, जब तो भुगत रहा हूँ, भगत ना होता तो ना भुगतता, मैं तो रोज कह रहा हूँ यह बात, अपने कर्म भुगत रहा हूँ, और मैं नहीं भुगत रहा, मेरे बुजुर्ग भुगत रहे, सबसे ज्यादा दुख मैंने इस बात का, और हमारे किसान भुगत रहे। लेकिन जो बुजुर्ग है आपके, वो कहते हैं कि हमारे लौंडे नहीं माने। बिल्कुल नहीं मानने, मैं हूँ, मैं भी लौंडा ना हूँ, 52 साल का हूँ, मेरे बाला के मैंने उनसे बुझी, तुम बीजेपी क्यों लाना चाह रहे हो, धर्म का काम करेगा तो ना लगे फिर तू भी। मैंने बुझी बाल का सू, तुम भाई क्यों दे रहे हो भैया, इसमें तो कम है थोड़ी, मैंने कम करवा के, मेरे बाप अपने 1971 का जन्म है, लड़ाई हुई, मेरे चाचा शहीद हुए थे 1971 में, जब मैं 1.5 साल का था, कभी वहाँ का थोड़ा सा असर पड़ गया बीजेपी का, असर कहाँ का पड़ गया, सच बोलने का, बीजेपी का कोई आदमी बोलता होगा ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोल लो बीजेपी, कोई नहीं कहता होगा मैं बीजेपी में था, अरे ऐसे भाषण दे रहा है कोई, चलो यूट्यूब सारे देख लो तुम, छुट्टी है तारी, बताओ एक भी सदस्य अगर दिखा दो, ये सच्चाई ना है, ना मर्द होगे ना मर्द, मैं उन चमचा से बुझू ना मर्द, मत हो सही ने सही और गलत ना गलत, कहो मोदी जी ने देश की खातिर छोड़ा परिवार, देश की खातिर, अच्छा देश की खातिर को छोड़ता होगा, देश के खातिर छोड़ा, बहुत बढ़िया, अरे देश यहाँ पड़ा ये तो मुट्ठी भर बता मैं उन्हें, मुट्ठी भर क्यों, तुमने पता ना कितने, हमें तो पता है, सबने पता है, मोदी ने पता पता है, गुटला में झूठ बोलने की आदत, पता है योगी के कह रहा महात्माओं का, के कह रहा नू कह रहा, मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा यूपी में, 1 करोड़ जन्म ले लियो जब गड्ढा मुक्त नहीं हो, कितना बड़ा झूठ है, और पता मोदी के कह रहे, मोदी ने एक बार कही सिलेंडर पे, जब वो बैंक मांग लगी तो पब्लिक भड़कने लगी, पब्लिक भड़कने लगी, पब्लिक जब भड़कने लगी पता क्या है, एमएस या के सब्सिडी है और रहेगी, तुम चिंता ना करो, भाषण सुन लो, ये भाषण थे जैसे एमएसपी पे कहे हुए हैं, कितने बड़े झूठे, अरे सारे यार भाषण में ही तो मरे हम भी, अरे टेलीविजन में देख के, भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी, भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी, भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी, अब क्या कह रहा है, आपके अच्छे दिन नहीं आए क्या, खाए के अच्छे दिन किसके आगे यार, एक का नाम तो बता दो, तुम्हारे आगे अच्छे दिन, आपके तो आए तभी तो भाषण दे रहे मोदी के साथ, मोदी के भाषण दे रहे, मोदी खिलाफ दे रहा हूँ, अच्छे दिन के सुन ले, अच्छे दिन तो इतने आए, मैं अपने गांव का भला चाहता हूँ, बीजेपी में रहे तो हमने क्या काम करा, एक हाईवे लिखड़ी है यार जिस पर तुम बैठे हो, ये हमारे गांव बन गई है, इस पर कट नहीं था भोजपुर, हमने फायदा उठाया बीजेपी का, हम गए गडकरी के दौर में, मैं भी चूतिया सा हूँ, और गडकरी ने सामने सामने बात करी, मुकद्दर क्यों उनकी चापलूसी भी तो करी, जूते चाहते हैं उनके जूते, और गडकरी मिले उनसे गए, हमने भोजपुर कट दे दो भाई, दे दिया हमने, सर्विस रोड मांगी दे दिया हमने, एक सड़क मांगी दे दिया, मेरे गांव का भला हुआ, और सुन मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैंने ना खाया और ना भी, प्रधान से नु कहती जितने तेरा झोड़ा ना हो जाएगा ना, ये धरना जाएगा इतने तो मैं राशन भी ना लूं, और कितनी चूतिया सरकार है, अब बताऊंगा नु कह रहा उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी का, मोदी ठीक, किसी किसी ने कही थारे धोरे एक भी, जैसा किसान आंदोलन क्या बाहर से स्पीच आई, नु किसान आंदोलन सही है, ऐसी मोदी किया कहीं सु आई, नु मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी के यार ने उनसे सब तक पलट हो गया, मोदी जी की दाढ़ी ना तो चीन वोटर था पाकिस्तान, पाकिस्तान दाढ़ी की सुनो भाई साहब, गांव के कह रहे हैं बड़े बुड्ढे भी, अभी वो दाढ़ी रख रहा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, भाई मैं तो बड़े बुड्ढा सुनक रहा, भाई वही काम कर दिया, है मोदी जी का कह रहा हूँ सारी बात, बता क्या करेगा, बता दो है गड़बड़ क्या करेंगे, मतलब अब गड़बड़ ना करा किया रे मेरे यार, कहना कुछ और ही चाह रहे नहीं, कहना और नहीं चाह रहे, गड़बड़ ना है जो हम यहाँ खड़े, क्या कहना चाह रहे भाई, दाढ़ी की मतलब यो तो था, यहाँ कैसे खड़े हैं हम, नु बताओ हमारे पे दिक्कत कितनी आ रही है।